तो दोस्तों अगर बात करें कुरुक्षेत्रा फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे हो चुके हैं 13 दिन। और दोस्तों फिल्म ने 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कारोबार किया है और फिल्म हो चुकी है सुपर डुपर हिट। अगर बात करें इस फिल्म के डे वाइज कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में 66 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था। वही 8वें दिन फिल्म के कलेक्शन थे 6 करोड़ रुपए, 9वें दिन 6 करोड़ 50 लाख रुपए, 10वें दिन 5 करोड़ 50 लाख रुपए, वही 11वें दिन 5 करोड़, तो 12वें दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपए, वही 13वें दिन 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों कुरुक्षेत्रा फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है लगभग 95 करोड़ रुपए के आसपास का। आपको बता दो दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है हिट। तो दोस्तों निखिल आडवाणी के डायरेक्शन में बनी हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म बाटला हाउस, जिसमें नजर आ रहे हैं जॉन इब्राहिम, मृणाल ठाकुर और रवि किशन। दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया था गुरुवार यानी 15 अगस्त को और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मात्र 60 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म बाटला हाउस, जिसे इंडिया में टोटल 2200 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन 15 करोड़ 55 लाख रुपये कमाए थे। वही दूसरे दिन कमाए थे 8 करोड़ 84 लाख, तीसरे दिन 10 करोड़ 90 लाख, चौथे दिन 12 करोड़ 70 लाख और पांचवें दिन 5 करोड़ 5 लाख। वही दोस्तों फिल्म ने छठे दिन कमाए 4 करोड़ 50 लाख रुपए और सातवें दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों बाटला हाउस फिल्म का जो शुरुआती 7 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 61 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 73 करोड़ यानी 73 करोड़ रुपए। और अगर नजर डाले ओवरसीज कलेक्शन की, तो बाटला हाउस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक कमाए हैं 14 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों बाटला हाउस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 87 करोड़ यानी 87 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका ने मास के लिए नेवल लॉन्च अनाउंस किया है। I'm happy for them. हम क्यों नहीं कर सकते सर? तो बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के फिल्म मिशन मंगल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बहुत पसंद आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म तहलका मचा रही है। ओपनिंग डे पर मिशन मंगल ने 29 करोड़ 16 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की थी और इसी के साथ ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म भी बन गई थी। अब मिशन मंगल ने मात्र 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिया है जो इस साल कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। दोस्तों खास बात यह है कि मिशन मंगल का बजट सिर्फ 32 करोड़ रुपए था और फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों मिशन मंगल ने रविवार को 27 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन करके 2019 के हाईएस्ट संडे का रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। फिल्म 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी। मिशन मंगल ने गुरुवार को यानी अपने पहले दिन 29 करोड़ 16 लाख रुपए कमाए थे, शुक्रवार को 17 करोड़ 28 लाख रुपए, शनिवार को 23 करोड़ 58 लाख रुपए, रविवार को 27 करोड़ 54 लाख रुपए और सोमवार को 8 करोड़ 91 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपना शुरुआती 5 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया था 106 करोड़ 46 लाख रुपए का। तो दोस्तों फिल्म ने जहां शुरुआती 5 दिनों में 106 करोड़ रुपए कमा लिए थे, वही फिल्म का जो छठे दिन का कलेक्शन था वो रहा लगभग 8 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों मिशन मंगल फिल्म का जो अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 122 करोड़ 50 लाख रुपए। वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 145 करोड़ का। वही आपको बता दे दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी काफी बढ़िया कमाई की है और फिल्म का ओवरसीज से अभी तक कलेक्शन आया है 29 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन बनता है वो हो चुका है 174 करोड़ यानी कि 174 करोड़ रुपए का। आपको बता दे दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है और अगर अभी तक आप ये फिल्म देख के नहीं आए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस फिल्म को देख के जरूर आए, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। और अगर आप फिल्म देख के आ चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी सुपर हिट या फ्लॉप, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।